नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शाइनिंग इंडिया पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे मालवा की ऐतिहासिक और पवित्र धरती पर स्थित आगर मालवा जिले के इतिहास के बारे में और इससे जुड़ी संपूर्ण जानकारी। लेकिन हम वीडियो शुरू करें दोस्तों, उससे पहले छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगर मालवा मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग में स्थित एक जिला है। इस जिले को सन 2013 में 16 अगस्त के दिन शाजापुर जिले से अलग करके नया जिला घोषित किया गया था। 1947 से मध्य प्रदेश के पुनर्गठन के पूर्व तक यानी 1956 तक आगर मध्य भारत का एक जिला हुआ करता था। इसे 1956 के बाद शाजापुर जिले में शामिल कर लिया गया था। इस जिले के अंतर्गत चार तहसीलें आती है। जिले में प्रसिद्ध शक्तिपीठ माँ बगलामुखी और बाबा बैजनाथ धाम स्थित है। आगर मालवा जिला अपनी लाल मिट्टी के लिए भी प्रसिद्ध है। इसकी सीमा राजस्थान राज्य से लगी हुई है। तो दोस्तों, अब आपको बताते हैं इस ऐतिहासिक और पुरातात्विक जिले के इतिहास के बारे में। आगर मालवा का इतिहास लगभग 4000 वर्ष पूर्व के पुरातात्विक अवशेष मिलने के साथ प्रारंभ होता है। सुसनेर, सोयतकला, बड़गांव आदि ताम्रयुगीन महत्वपूर्ण के केंद्र हैं। इन स्थानों से कायता संस्कृति के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। आगर मालवा के इस क्षेत्र से प्राप्त हुई परमारकालीन अत्यंत उत्कृष्ट कोटि की प्रतिमाएं इस बात का सबूत हमें देती है कि परमार काल में इस क्षेत्र का महत्व कितनी अक्षुण्णता और स्वर्णिमता से रखा गया होगा। सिंधिया राज्य के समय इसे अनुविभाग का दर्जा प्राप्त था। उस समय के ऐतिहासिक किले आज भी यहाँ देखे जा सकते हैं, जिसमें वर्तमान समय के न्यायालय एवं अन्य प्रशासनिक भवन संचालित होते हैं। आगर मालवा क्षेत्र में बाबा बैजनाथ का ऐतिहासिक मंदिर हमें ब्रिटिश काल की याद दिलाता है। कहते हैं भारत का यह एकमात्र मंदिर है जिसका निर्माण अंग्रेजों ने करवाया था। इसके साथ ही आगर मालवा क्षेत्र में माँ बगलामुखी का पुरातात्विक और पौराणिक मंदिर हमें हमारे गौरवशाली इतिहास की ओर ले जाता है। आगर मालवा के क्षेत्र के लोगों ने सन 1857 से लेकर 1947 के मध्य जितने भी क्रांतिकारी गतिविधियां हुई है उसमें न सिर्फ बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया बल्कि हंसते हंसते अपनी जान को अपनी प्यारी मातृभूमि के लिए कुर्बान तक कर गए, ताकि उनकी आने वाली पीढ़ियां इस आज़ादी के साथ जी सके। इस बात के लिए संपूर्ण मालवा क्षेत्र उन महान क्रांतिकारियों का ऋणी है। हम आज वीडियो के माध्यम से उन महान क्रांतिकारियों को नमन करते हैं। संपूर्ण मालवा क्षेत्र में बोला जाने वाला शबे मालवा शब्द मूलतः आगर मालवा की ही देन है। मुगल काल में जब मांडू मुगलों की राजधानी हुआ करती थी, तब आगर मालवा ग्रीष्म प्रवास की दृष्टि से सर्वाधिक पसंद किया जाने वाला क्षेत्र था। शबे मालवा की प्रसिद्धि इस क्षेत्र की जलवायु के कारण हुई है। शबे यानी शरबती या नमी और मालवा यानी ये संपूर्ण क्षेत्र जिसमें मालवी भाषा का संचार होता है, यहाँ से निकला है शबे मालवा शब्द। आगर मालवा जिले में स्थित सालरिया गो अभ्यारण्य जो कि सुसनेर क्षेत्र में आता है उसे प्रदेश के प्रथम गो अभ्यारण्य का दर्जा प्राप्त है और ये हमारे लिए बड़े ही गर्व और गौरव की बात है। दोस्तों, आगर मालवा जिला प्रकृति के लिहाज से भी बहुत ही शानदार जिला है। इस जिले में घूमने की कई व्यवस्थाएं हैं, कई स्थान हैं। आप जरूर आइए एक बार आगर मालवा जिले में। और आपको अगर वो पर्यटन स्थल देखना है तो इसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। आगर मालवा जिले के पर्यटन स्थल की जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी या फिर वीडियो के एंड में भी आप वो देख पाएंगे। आगर मालवा जैसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक नगर पर संपूर्ण मालवा क्षेत्र के लोगों को गर्व है। तो दोस्तों, ये था आगर मालवा जिले का इतिहास और कुछ जानकारी। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों,
क्योंकि हमारा मकसद मालवा की धरती पर स्थित ऐतिहासिक नगरों और उनके इतिहास से वर्तमान पीढ़ी का परिचय कराना है और हम नियमित रूप से इस कार्य में लगे हुए हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय मालवा, जय आगर मालवा।